अब हम पहले पढ़ लेते हैं लाइफ साइकिल पढ़ने से पहले कि टीनिया सोलियम का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है? तो हमें काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। टीनिया सोलियम की जो बॉडी है उसे हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, स्कॉलेक्स, नेक एंड स्ट्रॉबिला। स्कॉलेक्स को आप हाइड्रोजन भी मान सकते हो, ठीक है? हाइड्रोजन है ये, तो जैसे आपको फिगर में शो रहा होगा कि ये जो रीजन है ये क्या है, स्कॉलेक्स, ठीक है? स्कॉलेक्स रीजन है। ये क्या है, इसके बाद नेक रीजन, नेक, ठीक? और फिर नेक रीजन में ये डिवीजन होकर क्या प्रोड्यूस होते हैं, ये प्रोग्लॉटिड्स, ठीक है? जिसे हम स्ट्रोबुलर रीजन कहते हैं। इस जिस प्रोसेस से नेक जो है उसके अंदर डिवीजन्स होते हैं और वो ये जो प्रोग्लॉटिड्स है सेगमेंट्स जो है ये प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्ट्रोबुलाइजेशन, ठीक है? सो नेक वी स्ट्रोबुलेशन प्रोड्यूस प्रोग्लॉटिड्स। तो जो प्रोग्लॉटिड सबसे पहले प्रोड्यूस करेगा वो इमेच्योर होंगे, ठीक है? फिर वे मैच्योरिटी गेन करेंगे, एंड देन जब मैच्योरिटी गेन हो जाएगी, रिप्रोडक्शन हो जाएगा, तो ग्रेविटेड प्रोग्लॉटिड्स फॉर्म करेंगे। ये हम अभी देखेंगे सब, ठीक है? यहाँ पे आपको फिगर शो हो रही है तो वहाँ पे आपको अभी बता दूँ। तो सबसे पहले हम हेड को स्टडी करते हैं। जो हेड है यानी स्कॉलेक्स रीजन है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, हुक्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है? हुक्स एक इनर लेयर है, एक आउटर लेयर है, ठीक है? तो हुक्स प्रेजेंट होंगे और सकर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक? तो हुक्स हैं, सकर्स, और क्या एक क्या है, रोस्टेलम। हुक्स, सकर्स एंड रोस्टेलम। तो देखते हैं, ये स्कॉलेक्स रीजन है, ये जो टीनिया सोलियम की बॉडी है उसका सबसे एंटीरियर मोस्ट पार्ट होगा, ठीक है? और इसके अंदर फोर कप लाइक मस्कुलर सकर्स प्रेजेंट हैं, जो अभी आपको फिगर में शो करें, ठीक? और एंटीरियर राउंड प्रोमिनेंस है, जिसे हम कह रहे हैं रोस्टेलम। देखो ये रहा ना, उभार है, इट इज अ एंटीरियर राउंड प्रोमिनेंस, ठीक? जिसे हम कह रहे हैं रोस्टेलम। सकर्स ये रहे, दो दिख रहे हैं और दो बैक साइड में होंगे। और क्या प्रेजेंट है, रोस्टेलम है काइटिनस हुक्स, 22 to 32 काइटिनस हुक्स प्रेजेंट होंगे, दो सर्कल सर्कल में, एक इनर सर्कल जिसके अंदर लार्जर हुक प्रेजेंट है, एक आउटर सर्कल जिसके अंदर स्मॉलर हुक्स प्रेजेंट है, ठीक है? और ये हुक ऐसे होंगे ऑल्टरनेटिवली कि ये जैसे या हो गया आपका आउटर आउटर सर्कल, ये हो गया इनर सर्कल, ठीक है? तो ये जो हुक्स प्रेजेंट हैं, देखो ये हुक्स ऐसे होंगे, है ना? तो देखो ऑल्टरनेटिवली है प्रेजेंट, ठीक है? लॉन्ग एंड शॉर्ट हुक्स आर ऑल्टरनेट विद ईच अदर, क्लियर? आपको फिगर में भी शो हो रहा है। अब बात करते हैं, और हमें पता है कि एज अ ऑर्गन ऑफ एडहेशन वर्क करेंगे, बिकॉज जो हुक्स होंगे उनका काम क्या है, अटैच करना, ठीक? और सकर से ही न्यूट्रिशन को सक करेंगे। जो स्कॉलेक्स रीजन है उसके बाद आता है नेक रीजन। नेक रीजन में क्या होगा, नेक रीजन अनसेगमेंटेड रीजन है, ठीक है? जो स्ट्रोबिला होगा वो सेगमेंटेड रीजन होगा, जो नेक है वो अनसेगमेंटेड है। और उसके अंदर क्या होता है, जोन ऑफ प्रोलिफ्रेशन होती है। मैंने कहा ना कि नेक क्या प्रोड्यूस करता है, नेक स्ट्रोबिला प्रोड्यूस करता है बाय प्रोसेस ऑफ स्ट्रोबिलाइजेशन, कि नेक का में जो एक ग्रोथ जोन है, ग्रोथ रीजन है, वहाँ से लगातार डिवाइड होकर प्रोग्लॉटिड्स फॉर्म करता है, ठीक है? तो सबसे पहले इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स फॉर्म करेगा, ठीक है? देन उसके बाद मैच्योर, देन ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स। तो अब देखते हैं स्ट्रॉबिला को। तो स्ट्रॉबिला में मेन क्या है कि इट फॉर्म्स द मेन ब्लॉक ऑफ द बॉडी। सी कैसे, क्यों कह रहे हैं मेन ब्लॉक ऑफ द बॉडी, बिकॉज उस फिगर में शो नहीं किया था अच्छे से, जैसे ये रहा। तो देखो ये स्कॉलेक्स, ठीक है? और देन ये छोटी सी नेक, ठीक है? उसके बाद जो मेन बल्क है वो क्या है, ये इतने सारे जो मेन बल्क ऑफ बॉडी है वो क्या है, स्ट्रोबिला है। स्ट्रोबिला में क्या प्रेजेंट है, प्रोग्लॉटिड्स। कितने, 800 से 900 प्रोग्लॉटिड्स प्रेजेंट है, ठीक है? सबसे पहले कौन से आएंगे, इमेच्योर, देन मैच्योर, देन ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स। अब इनकी भी हम डिफरेंट देखेंगे, किसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, किसकी के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, ठीक है? और जो सबसे न्यू होगा वो नेक के सबसे नियर होगा, यानी ये जो ये वाले हैं ये सबसे ओल्ड है, ठीक है? और नेक के पास सबसे न्यू है, ठीक? तो प्रोग्लॉटिड इसको पढ़ना है, तो जैसे ये लिखा है कि प्रोग्लॉटिड क्या है, इट इज अ कंप्लीट यूनिट, ठीक है? इसके अंदर आपके
जो मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स हैं उसके कंप्लीट सेट प्रेजेंट होंगे, बाकी साथ में जो और भी टिश्यूज प्रेजेंट होंगे वो भी, ठीक है। मेल है कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे मेल, ठीक है, कंप्लीट सेट होगा हर एक प्रोग्लॉटिड में। और अभी जो प्रोग्लॉटिड्स हैं तो हमने तीन में डिवाइड कर दिए, इमेच्योर, मैच्योर एंड ग्रेविड, ठीक है। इमेच्योर जस्ट बिहाइंड द नेक होंगे, इसके अंदर कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना जो पॉइंट्स हैं। इट इज जस्ट बिहाइंड द नेक। सेकेंड इज डिवाइड ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड दे आर ब्रॉडर देन लॉन्ग, यानी ये तो होगी लंबाई, ठीक है, ये तो होगी लेंथ और ये होगी ब्रेथ। तो जो इमेच्योर होंगे उनकी ब्रेथ ज़्यादा होगी, ठीक है, दे आर मोर ब्रॉडर देन दे आर लेंदी, ठीक है। और नंबर क्या होता है 200 नियरली। जो मेच्योर प्रोलोकोलोटिड्स होंगे वो हम कह रहे हैं हर्माफ्रोडाइट, यहाँ नहीं, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है, तो ये इसी रीजन के जो प्रोगलेटिड्स होंगे उसके अंदर ही कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। अब जब और इनका नंबर होता है 300 to 400, ठीक। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स फॉर्म होंगे, ये ओल्ड प्रोग्लॉटिड है, तो इनके अंदर भी आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। सो देर आर नो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनसाइड ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स, और दे आर लॉन्गर देन देर आर देन ब्रॉडर, ठीक है। जो इमेच्योर थे उसमें क्या था कि वे ब्रॉडर हैं, देर आर मोर ब्रॉडर देन देर लेंदी, ठीक है। और जबकि जो मैच्योर होंगे वो नॉर्मल साइज के, ठीक है, ना ज़्यादा ब्रॉडर ना ज़्यादा लेंदी, सेम सेम होंगे। और जो ग्रेविड होंगे वे लेंदी ज़्यादा होंगे, ब्रॉडर कम होंगे, ठीक है। और जो रिप्रोडक्टिव है वो कौन से हैं, सिर्फ मैच्योर वाले हैं, ना इमेच्योर, क्योंकि वो इमेच्योर है उनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फॉर्म ही नहीं हुए, ठीक। जो मैच्योर है उनके अंदर रिप्रोडक्टिव फॉर्म हुए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कपलेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, देन फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एग्स थे, ठीक है, अब एग्स फॉर्म हुए, अब उन्हें कहीं ना कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा, तो जो अननेसेसरी सामान था वो फेंक दिया गया है ना, वो डिजेनरेट करा दिया गया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, और जो यूट्रस है वो यूट्रस ब्रांच्ड हो गया और एग्स को स्टोर कर लिया। सो जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड होते हैं दे आर दे कंटेन ब्रांच्ड यूट्रस विद फर्टिलाइज्ड एग्स, ठीक है, बिकॉज अब उसे उन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की कोई जरूरत नहीं, इसलिए अब इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। अब क्या होगा कि इन टीनासोलियम लाइक अदर टैप फॉर्म्स द ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स आर रेगुलरली कट ऑफ इधर सिंगली और इन ग्रुप ऑफ 2 to 5 प्रोग्लॉटिड्स फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड ऑफ द स्ट्रोबुला एंड दिस इज कॉल्ड एपोलाइसिस। अभी क्या ये पैरासाइट है, हमें पता है अभी जो पैरासाइट है अभी ये इसका जनरली टेंडेंसी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि रिप्रोड्यूस करना चाहेगा, तो ये जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स होते हैं इनके अंदर ये ऑन्कोस्फेयर लार्वा प्रेजेंट होता है ऑन्कोस्फेयर फॉर्म में। जैसे मैं स्टडी करता हूँ उनको स्फेयर में क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे लाइफ साइकिल में, ठीक है। अभी क्या होगा, जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स उनको स्फेयर लार्वा से वो पैक्ड होंगे, ठीक है, मैंने कहा यूट्रस फर्टिलाइज एक्स से पैक्ड है, तो ये जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स होंगे इतने सारे, ये कट मतलब आपके 2 या 5 के ग्रुप्स में कट ऑफ करने शुरू कर जाएंगे कि यहाँ से कट ब्रेक ऑफ हो गया, ठीक है, और ये फीसीज में पास डाउन हो गया, ठीक है। तो 2 या 4 के ग्रुप्स में ये कट ऑफ करने शुरू कर जाएंगे और फिसेस में पास डाउन हो जाएंगे अलॉन्ग विद फिसेस, डिफेसिएशन के प्रोसेस के टाइम पर ये बॉडी से बाहर निकल जाएंगे प्राइमरी होस्ट की, ठीक है। और जब जो पिग्स होते हैं वे ईट कर लेते हैं इन ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स को, तो उनके अंदर जाके ये एक्टिवेट हो जाते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं ऑन्कोस्फेयर स्टेज जो होती है वो पिग को यानी इंटरमीडिएटरी होस्ट को या कहें सेकेंडरी होस्ट को इन्फेक्ट करती है, ठीक है। अभी लाइफ साइकिल में और क्लियर हो जाएगा अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एपोलाइसिस, जो कट ऑफ होते हैं ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स, ठीक है, यहाँ से कट ऑफ होने करने शुरू हो जाएंगे और फेसेस में पास जाना हो जाएंगे। अब हम आते हैं मेन जो टॉपिक है वो है लास्ट टॉपिक इसका, लाइफ हिस्ट्री ऑफ टीनिया सोलियम, या फिर लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम। तो उसके अंदर हम सबसे पहले क्या होगा, कपलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है, कपलेशन हुआ देन फर्टिलाइजेशन होगी, देन फॉर्मेशन ऑफ एग्स होंगे, एग्स के अराउंड कैप्सूल्स फॉर्म होगा, देन टीनिया सोलियम का डेवलपमेंट होगा, देन ट्रांसमिशन होगा टू सेकेंडरी होस्ट, ठीक है। इसके अंदर शायद एक पॉइंट मिसिंग है, हाँ यहाँ पे लिखा है ट्रांसमिशन टू प्राइमरी होस्ट। सेकेंडरी होस्ट में जब ट्रांसमिशन हो जाएगा
तो वहाँ पे ये डेवलप करेगी, जैसे हमने देखा था उनको स्फीयर से हेक्सा कैन से ब्लैडर वॉर्म से सिस्टिस सरकाई, ठीक है। अब जो सिस्टिस सरकाई लार्वा है जब वहाँ तक वो स्टेज पहुँच जाएगी और पिग की स्ट्रेटेड मसल्स में ये प्रेजेंट होंगे, तो जब अनकूट पॉर्क को खाया जाएगा तब ये किस में ट्रांसमिशन हो जाएगा इनका, प्राइमरी होस्ट में यानी मैन में, ठीक है। ये प्राइमरी जो देखो ये जो है, जैसे अभी मैं फिगर में शो करता हूँ, बाकी अभी हम रीड कर लेंगे थ्योरी को, कि ये जो रीजन है जितना ये है प्राइमरी होस्ट का, ठीक है। तो इसने कूड अनकूड पॉर्क खाया जो सिस्टिस सरकाई लार्वा से इन्फेक्टेड था। इस पॉर्क को क्या कहते हैं, मीजली पॉर्क, ठीक है। अब इसके अंदर कौन सा आ गया, ह्यूमन इंटेस्टाइन में सिस्टिस सरकाई लार्वा, ठीक है। अब इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगा, प्रो स्कॉलेक्स से सारा स्कॉलेक्स नेक एंड प्रोग्लॉटिड्स फॉर्म होंगे, ठीक है। फिर कपलेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक। कपलेशन फर्टिलाइजेशन होने के बाद मेच्योर जो प्रोग्लॉटिड्स होंगे उनसे क्या बन गए, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। ग्रेविड प्रोग्लॉटिड के अंदर क्या है, ऑन्कोस्फेज स्टेज में लार्वा प्रेजेंट है, ठीक है। अभी फीसिस में एपोलाइसिस के थ्रू कट ऑफ हो गए, ठीक है, और फीसिस में पास डाउन हो गए, डिफरेंशिएशन के थ्रू बाहर आ गया बॉडी से। अब पिग का काम यही है, वो जो गंदगी होती है उसमें से खाता है, ठीक है। तो इन फीसिस में को ईट किया, अब उनके अंदर जो ये हैं आपके ऑन्कोस्फेयर लार्वा हैं वो पहुंच गए, ठीक है। एंसेस्टेड हेक्साकेंथ, ठीक है। अब इनके अंदर एंसेस्टेड हेक्साकेंथ को ऑन्कोस्फेयर कहते हैं, वो सिस30 हेक्साकेंथ बने, ठीक है। हेक्साकेंथ अभी हम ये स्टडी करेंगे डिटेल में, कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाते हैं, अल्टीमेटली स्ट्रेटेड मसल्स में पहुँच जाएंगे, ठीक है। उसकी जो पिग है देन लाइफ साइकिल रिपीट हो जाएगी जब इसे खाया जाएगा, इस अनकुक्ड मीट को पॉर्क के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कपलेशन फर्टिलाइजेशन। तो कपलेशन में क्या होगा कि जो हमने कहा ये मोनोशियस हैं, ठीक है, तो अब ये एक ही सेगमेंट के में भी हो सकता है या फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है कि दूसरे सेगमेंट को फर्टिलाइज कर दे, ठीक है, लेकिन होगा एक ही टीनस ओलियम में। सो कपलेशन अकर्स बाय द इंसर्शन ऑफ सीरस और पेनिस ऑफ वन प्रोग्लॉटिड इनटू द वेजाइना ऑफ द सेम प्रोग्लॉटिड, और इट कैन अकर बिटवीन डिफरेंट प्रोग्लॉटिड्स ऑफ द सेम टेप वॉर्म, ठीक है। और क्या होता है कि टीनियस ओलियम में, टीनियस ओलियम प्रोटेंड्रस यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो टेस्टिस है कहने के, वो पहले मेच्योर कर जाएगी, तो क्या होगा, स्पर्म्स पहले प्रोड्यूस हो गए, अब स्पर्म्स को स्टोर कर लिया जाएगा और वेट किया जाएगा जब तक एग्स मेच्योर करें, जैसे एग्स मेच्योर हो गए करेंगे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एग कैप्सूल। अब क्या होगा, एग्स जो है उन्हें कैप्सूल में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, ठीक है, और अल्टीमेटली ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स में पैक किया जाता है। तो क्या होगा और कितने एग्स कैप्सूल प्रोड्यूस होते हैं, 30,000 to 40,000 एग कैप्सूल्स एक प्रोग्लॉटिड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब मान लो ये एग सेल है, ठीक है, ये एग सेल है, ये जाइगोट है, फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट जो बना है, ठीक। अब उसके अराउंड क्या होगा कि तीन टाइप के सेल्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो जो तीन टाइप के प्रोड्यूस होंगे, एक तो है सबसे लार्जर मेगामेयर, ठीक है, जो सबसे बड़े होंगे, देन जो मीडियम साइज के होंगे मीजोमेयर, देन जो सबसे छोटे होंगे माइक्रोमेयर, ठीक है, माइक्रोमेयर सब जो सबसे छोटे होंगे, और ये अरेंज्ड होंगे करेक्टरिस्टिक पैटर्न में कि सबसे अंदर माइक्रोमेयर, देन उसके आउटर मीजोमेयर, देन उसके आउटर मेगामेयर, ठीक है। और उसके अराउंड जो है जो एम्ब्रियोफोर है वो एक वो फॉर्म हो जाती है, ठीक है, एम्ब्रियो फॉर्म हो जाती है, देन एम्ब्रियो फोर के अराउंड आउटर एम्ब्रियो फोर, एक तो इनर एम्ब्रियो फोर, एक आउटर एम्ब्रियो फोर, और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक। ये भी मैं बताऊंगा कि किस स्ट्रक्चर से क्या क्या बन रहा है, ये आपको अभी फिगर में एक बार शो कर दूं मैं, ठीक है। ये फिगर है जायगोट से, जायगोट तीन टाइप के सेल प्रोड्यूस कर रहा है, सबसे लार्जर मेगामेयर, सबसे मीडियम साइज के मीजोमेयर, एंड देन सबसे स्मॉलर माइक्रोमेयर, ठीक है। अब इनसे ही जो मैंने आपको अभी कवरिंग बताई है, जो एम्ब्रियो फोर है और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये सब इनसे ही फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। अब जो क्या होगा, जो स्मॉलर सबसे छोटे होंगे माइक्रोमेयर, ठीक है, वो क्या फॉर्म करेंगे, मॉरूला, ठीक है, जो इनर जिससे सारा आपका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, एम्ब्रियो का जो भी टिश्यूज हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, वो फॉर्म होंगे, वो मॉरूला से फॉर्म होंगे, ठीक है।
तो मेसो माइक्रोमेयर का काम क्या है, जो सबसे छोटा वाला पार्ट है वो मॉड्यूला फॉर्म करेगा। अब जो मेसोमेयर बचा है जो मीडियम साइज का है, वो क्या फॉर्म करेगा, इनर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या फिर एम्ब्रियोफोर। ठीक है, एम्ब्रियोफोर कौन सी, इनर वाली। जो मेगामेयर जो सबसे आउटर दिखाई थी मैंने आपको, वो क्या फॉर्म करेगी, आउटर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। अभी आउटर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो वो फाइनली डिसअपियर हो जाती है इसके बाद, ठीक है, बनती है फिर बाद में डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, और ये जो एम्ब्रियोफोर बनी है, जो एम्ब्रियोफोर बनी है, इस एम्ब्रियोफोर के बिलो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन भी फॉर्म हो जाती है। ठीक है, और ये जो मरूला है, तो सबसे अंदर मरूला जिसे किसने फॉर्म किया, माइक्रोमेयर ने। ठीक है, उसके आउटर जो है मीडियम साइज मिजोमेयर, ठीक है, जिन्होंने क्या फॉर्म करी, एम्ब्रियोफोर। ठीक है, उस एम्ब्रियोफोर के बिलो क्या प्रेजेंट है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है और आउटर एम्ब्रियोफोर भी प्रेजेंट है, सॉरी इनर एम्ब्रियोफोर। और आउटर एम्ब्रियोफोर जो थी, जो आउटर एम्ब्रियोनिक लेयर थी, वो हमें पता है डिजेनरेट कर गई थी। ये वो किसने बनाई थी, मेगामेयर ने। ठीक है, कन्फ्यूजन मत होइएगा। ठीक, अब क्या होगा कि ये जो ये है आपका मरूला है, ये हुक्स फॉर्म करेगा। ठीक है, हुक्स फॉर्म करेगा, सिक्स काइटनस हुक्स फॉर्म करेगा। और अब इस सिक्स जो सिक्स हुक्ड एम्ब्रियो है, इसे हम क्या कहेंगे, हेक्साकेंथ। ठीक, हेक्साकेंथ लार्वा। और जब ये हेक्साकेंथ लार्वा एक सिस्ट से कवर्ड हो जाएगा, जब ये इस इंसिस्टेड हेक्साकेंथ लार्वा को हम क्या कहेंगे, ऑन्कोस्फेयर स्टेज। ठीक है, दोबारा से मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल है। जैसे इस बार फिगर में देखो कि ये जाइगोट है, ये किसका है, फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है, कपलेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद। अब क्या हुआ, ये जाइगोट जो है तीन में डिवाइड करेगा, तीन सेल फॉर्म करेगा, तीन टाइप के, सबसे लार्जर मेगामेयर, देन मीडियम साइज मिजोमेयर एंड सबसे स्मॉलर माइक्रोमेयर। जो सबसे आउटर है वो कौन से होंगे, मेगामेयर, और बीच में कौन से प्रेजेंट होंगे, मीडियम में मीडियम साइज मिजोमेयर एंड द सबसे इनर मोस्ट माइक्रोमेयर। ठीक है, माइक्रोमेयर क्या फॉर्म करता है, मरुला। ठीक है, मरुला फॉर्म करेगा माइक्रोमेयर, ये मरुला फॉर्म कर रहा है। ठीक है, जो मीडियम साइज मिजोमेयर होंगे वे क्या फॉर्म करेंगे, वे एम्ब्रियो फॉर्म करेंगे। जैसे ये है, ये एम्ब्रियो फॉर्म कर दी इसने। ठीक है, एम्ब्रियो फॉर्म, एम्ब्रियो फोर। ठीक, और सबसे आउटर क्या फॉर्म होगा, जो मेगामेयर है, मेगामेयर की आउटर एम्ब्रियोनिक लेयर। ठीक है, जो जो आगे जाके डिजनरेट कर जाती है। ठीक, प्लस इसके अंदर जो ये एम्ब्रियो फोर है, यहाँ पे ये पिंक वाली शो करी है मैंने, एम्ब्रियो फोर जो कौन बना रहा है, मिजोमेयर। ठीक है, उसके बिलो बेसमेंट मेम्ब्रेन भी फॉर्म हो जाती है, जो मैंने ग्रीन कलर से शो करी है। ठीक है, अब क्या होगा, इस मरुला स्टेज में, ये जो मरुला स्टेज है, ये जो मरुला है, ठीक है, ये क्या, इसके अंदर हुक्स फॉर्म होंगे, सिक्स काइटनस हुक्स फॉर्म होंगे, और इसे हम क्या कहेंगे, हेक्साकेंथ। इस काइटनस हुक्स मरुला स्टेज को क्या कहेंगे हम, हेक्साकेंथ। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो ये हेक्साकेंथ है, ये एक सिस्ट से कवर्ड हो जाएगा, एक सिस्ट से कवर्ड हो जाएगा, तो अब हम इस एनसिस्टेड हेक्साकेंथ को क्या कहेंगे, ऑन्कोस्फेयर लार्वा। ठीक है, अब तो मैंने इसमें भी शो कर दिया फिगर में क्लियरली, और थ्योरी भी बता दी, तो अब समझ में आ जाना चाहिए आपको। तो अब ये जो ऑन्कोस्फेयर लार्वा है, जो ऑन्कोस्फेयर स्टेज है, ये अब ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स में पास होती है, ये मैंने कई बार पहले भी बताया है ना, ये वाला। ठीक, ये दो तीन बार रीड लोगे और वीडियो देखना तो आ जाएगा समझ में। ठीक है, अब हमने बताया था जैसे पहले भी फिगर में भी, कि अब ये जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स हैं बाय एपोलाइसिस के प्रोसेस से ये कट ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, और डिफेसेशन के थ्रू पास आउट हो जाएंगे और प्राइमरी हॉस्ट की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। और जब जो पिग है वो इन पर फीड करता है, ह्यूमन फीसिस पर, तो अब उनके अंदर ये जो ऑन्कोस्फेयर स्टेज है, तभी हम कह रहे हैं कि ये इन्फेक्टिव है पिग के लिए। ठीक है, अब क्या होगा, ये पिग के स्टमक में पहुंचेंगे। ठीक है, और हमने भी पढ़ा कि ऑन्कोस्फेयर स्टेज क्या है, कि है जो हेक्साकेंथ है एंसिस्टेड हेक्साकेंथ लार्वा की जो स्टेज है, उसे हम ऑन्कोस्फेयर कह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि उसके स्टमक में जाने पे वो जो कैप्सूल शेल प्रेजेंट है, ठीक है, वो डिजॉल्व हो जाएगी, और हेक्साकेंथ जिस सिस्ट के अंदर प्रेजेंट था उससे लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, तभी हमने कहा था लार्वल स्टेज में कि ऑन्कोस्फेयर के बाद क्या बन रहा था, ऑन्को
स्फेयर के बाद बन रहा था हेक्साकेंथ, ठीक है, जब हमने ऊपर सीरीज देखी थी पहले, जब हमने शाइज़ोस्टोमा और की भी देखी थी, शाइज़ोस्टोमा की, फेसोला हेपेटिका की, तो हमने लास्ट में इसकी भी देखी थी, है ना। तो ऑनकोस्फेयर के बाद हेक्साकेंथ, अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों ऑनकोस्फेयर के बाद हेक्साकेंथ बना, ठीक है। और ऑनकोस्फेयर खुद क्या है, एक एंसेस्टर हेक्साकेंथ है। अब क्या होगा, अभी हेक्साकेंथ जब लिबरेट हो गया तो अभी जो इंटेस्टाइन में पहुंचेगा स्टमक के बाद, तो इंटेस्टाइनल वॉर को बोर करेगा। ये सब किसके अंदर हो रहा है, पिग के अंदर हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर हुक्स ऑलरेडी प्रेजेंट है ही, ठीक है, ये सारी मशीनरी प्रेजेंट है, इसके पेनिट्रेशन ग्लैंड्स प्रेजेंट है इसके अंदर। तो अब ये बोरिंग करेगा और फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू पिग की इंटेस्टाइन में, फिर पिग के हार्ट में, देन इस अल्टीमेटली किस में आ जाएगा, स्ट्रेटेड मसल्स में, ठीक है, पिग की स्ट्रेटेड मसल्स में आ जाएगा। और ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, स्ट्रेटेड मसल जनरली स्केलेटल मसल्स होती हैं, ठीक है। और फिर क्या होगा, वहाँ पे ये एम्बेडेड कर जाएगा और दोबारा से सिस्ट फॉर्म कर लेगा, ठीक है। अब हम इसे क्या कहेंगे, सिस्टिस सर्कैलारा या फिर ब्लैडर वॉर्म्स, ठीक है। अब इस पॉर्क को, इस मीट को हम क्या कहते हैं, मीजली पॉर्क, क्योंकि ये वाइट पैचेस फॉर्म करता है, वाइट अपीयरेंस, पैचेस, पैची अपीयरेंस हो जाती है, इसे हम कहते हैं मीजली पॉर्क, जो इन्फेक्टेड है सिस्टिस सर्कैलारा से। फिर क्या होगा कि अब ट्रांसमिशन टू प्राइमरी होस्ट होगा, यानी अब हमने उस पिग को मार दिया, ठीक है, देन उसे अनकुक्ड, बिना ज़्यादा कुक, अच्छे से कुक नहीं किया हमने, ठीक है, रॉ है वो, अगर कुक करेंगे तो वो लार्वा मर जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इम्प्रॉपरली कुक्ड या फिर रॉ, बिल्कुल कच्चा जो मिजली पॉर्क है उससे हम खा रहे हैं, तो उसके अंदर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, सिसर का लार्वा प्रेजेंट है, जो बॉडी में जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे ह्यूमन की, और आपको जो प्रोस्कॉलेक्स है वो क्या फॉर्म करेगा, स्कॉलेक्स और स्मॉल नेक, स्मॉल नेक में जो फॉर्म होगी, अब उसके अंदर में पता है प्रोलिफ्रेशन होगा, जो ग्रोथ जोन होती है, स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस होता है, स्ट्रोबिला में प्रोग्लॉटिड्स फॉर्म होंगे, पहले इमेच्योर, देन मेच्योर, देन ग्रेविड प्रोग्लॉटिड, ग्रेविड प्रोग्लॉट सॉरी, जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स है उसके अंदर ऑनकोस्फेयर लार्वा स्टेज में बनेगा, ठीक है, पैक्ड होंगे उस स्टेज में, और अल्टीमेटली जो ये फिर से ट्रांसमिशन करेंगे, ठीक है, सेकेंडरी होस्ट में फिर से जाएंगे, कब जो प्रोसेस होगा सारा रिपीट होगा। और मेन बात क्या है कि 10 to 12 वीक्स के अंदर, ठीक है, जैसे हमने कहा कि ट्रांसमिशन हुआ जैसे प्राइमरी होस्ट में, ठीक है, तो जो ये बना था, क्या कहते हैं, सिसिसर का लार्वा आया था, ठीक है, जब वो बिल्कुल एडल्ट टीनिया सोलियम में बनता है, एडल्ट टीनिया सोलियम में, तो कितने टाइम में बन जाता है, 10 to 12 वीक्स में, ठीक है। तो 10 to 12 वीक्स में सिसर का लार्वा से कहेंगे एडल्ट टीनिया बन जाता है 10 to 12 वीक्स में। और ये जो एडल्ट टीनिया बना है, अब इसकी प्रोडक्टिव स्टेज आएगी, तो कितने टाइम में ये ग्रेविड प्रोग्लॉटिस फॉर्म कर देगा, जो ऑनकोस्फेयर लार्वा से पैक्ड होंगे, कितने टाइम में, 8 to 10 वीक्स में, ठीक है। तो 10 to 12 वीक्स में एडल्ट टीनिया में कन्वर्ट हो जा रहा है, देन फर्दर 8 to 10 वीक्स के अंदर ये ग्रेविड प्रोग्लॉटिस फॉर्म कर दे रहा है, जिसके अंदर ऑनकोस्फेयर लार्वा होंगे, फिर से लाइफ साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। और थैंक यू, बाकी चैनल को सपोर्ट करें।